अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स जुमला सीएमएस स्टेप बाय स्टेप्स सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको जुमला की इंस्टॉलेशन करने का मेथड बताऊंगा, देन आपको डाउनलोड करने का तरीका बताया जाएगा, जुमला को कहां से आप डाउनलोड करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, और जैम सर्वर जब हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था, इसकी बैकअप फाइल्स किधर हैं और जुमला किधर इंस्टॉल किया जाएगा, इन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे इस लेसन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले जो चीज हमने देखनी है वो ये देखनी है, जब हमने जैम को इंस्टॉल कर लिया, यानी कि जैम सर्वर जब हमने अपने पास इंस्टॉल कर लिया है, इसकी बैकअप फाइल्स किधर है, उस चीज को हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको स्टार्ट के अंदर जाना होगा, कंप्यूटर के अंदर चले जाएं, माई कंप्यूटर के अंदर, और सी ड्राइव, जिस ड्राइव के अंदर आपने इंस्टॉल किया था, देखें आपके सामने जैम का फोल्डर बना हुआ आ चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास एच टी डॉट्स होगा, जिसके अंदर अपने जुमला की इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, जितना भी हमारा कंट्रोल्स होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, यानी जितने भी हमारा मटेरियल होगा वेबसाइट्स का, वो तमाम का तमाम इसके अंदर आता जाएगा। अब इस काम के लिए सबसे पहले हमारे पास जुमला का होना जरूरी है। अब मैं क्या कर लेता हूं, अपने पास इंटरनेट एक्सप्लोरर से जुमला की वेबसाइट्स में जाऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, वहां से मैं जुमला का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा, देन उसके बाद उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब जुमला की जो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जहां से आप जुमला को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो है जुमला डॉट ओ आर जी, आप एंटर कर रहे हैं और आपके पास जुमला डॉट ओ आर जी, यानी कि आप सीएमएस, जुमला सीएमएस की वेबसाइट पर पहुंचाएंगे। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। देखें, मेरे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन होकर सामने आ चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने करना क्या है, जस्ट अपने आप को यहां पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आपके पास डाउनलोड पे ऊपर चले जाए, तो हमारे पास जुमला के मुख्तलिफ पैकेजेस मेरे सामने निकल कर आ जाते हैं। अभी जो मेरे पास यहां पर पैकेजेस हैं, वो है मेरे पास कौन सा है, 2.5, 3 point है, और इसका एक और बड़ा मशहूर पैकेज है, वो क्या है, आपके पास 1.3 है, 1.5 है सॉरी। तो आप क्या करें, जो आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये मुझको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर जाएगा, यानी कि डाउनलोड के ऊपर लेकर जाएगा। जैसे मैं इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, जब ये तमाम चीजें आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी, आपके पास आपके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर चला जाएगा। देखें, मेरे पास यहां पर आ चुका है, मैंने जो अपने पास डाउनलोड किया है जुमला, वो है 1.5। ठीक है, तो इस लेसन, इस सीरीज के अंदर मैं आपको जुमला 1.5 के ऊपर काम करने का मेथड बताने जा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, अपने पास इस जुमला को कॉपी करें, इधर से कॉपी कर देने के बाद आप अपने पास वापस उसी ड्राइव के अंदर चले जाएंगे, जहां पर आपने इसका बेसिक्स फाइल्स रखी हुई है। एच टी डॉट्स के अंदर चले जाए आप, जिधर आपके पास जैम सर्वर का मेन फोल्डर है, यहां पर एच टी डॉट्स के ऊपर आप निकल जाएं और जस्ट इसको लाकर इधर यहां पर आप पेस्ट कर दें। आपने इसको पेस्ट कर दिया है और अपने पास एक फोल्डर क्रिएट कर लें। अब ये जो फोल्डर बेसिकली मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये मेरी वेबसाइट का मेन फोल्डर है, यानी कि मेरी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स होंगी, जो कुछ भी होगा, इस फोल्डर के अंदर होगा। तो इस फोल्डर को आप वो नाम दें जो आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसको एक्सपी अकेडमी का नाम दे देता हूं, इसको देता हूं एक्सपी अकेडमी, और मैं इसको अंडरस्कोर जुमला कर देता हूं। नाम आप बिल्कुल सिंपल सा रखें, जो आपको इजीली याद रहे, इतना बड़ा नाम ना हो जो आप भूल जाएं। और मैं इसको इधर से उठाकर इसके अंदर ले जाता हूं, ये इधर लाकर आप इसको पेस्ट कर दें अगेन, मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहां पे, और अब आप इसको यहां पर एक्सट्रैक्ट हेयर की ऑप्शन लगा दें। तो अब क्या होगा, मेरे पास इसकी जितनी भी बेसिक्स फाइल्स हैं, वो तमाम की तमाम निकलकर मेरे इधर सामने आ जाएंगी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना होगा, जुमला की इंस्टॉलेशन करनी होगी, लेकिन इंस्टॉलेशन उसी वक्त होगी जब अपने पास आप ये वाले प्रोसेस कर लेंगे, यानी कि जो मैंने अभी स्टेप्स किए हैं, जब आपके ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपकी इंस्टॉलेशन भी इसके बाद होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं यहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने, आपके पास तमाम फाइल जो है वो सामने निकल कर आ चुकी हैं। अब बेशक ये जो आपकी जिप वाली फाइल है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम जुमला की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप अपने पास अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर ले और ऊपर आप जस्ट टाइप कर दें यहां पर लोकल होस्ट, आप इसे एंटर कर दें तो आपके पास बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स, मैंने करना क्या है, मेरे पास जो लोकल होस्ट है वो बेसिकली एच टी डॉट्स आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को यहाँ से रन करवाना है। तो आप इसको, इसका नाम अपने पास कॉपी कर लें या आपको याद है तो उसको याद रखें, और जस्ट आने के बाद लोकल होस्ट के बाद आप इसको इधर पेस्ट कर दें या टाइप कर दें और इसे एंटर कर दें। ऐसे में इसे एंटर कर दूंगा तो देखा मेरे पास जुमला का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बेसिक जो इसके स्टेप हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। सबसे पहले स्टेप्स के अंदर आपको करना क्या होता है, आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है, आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग इंग्लिश उठा रहे हैं तो आप इसको इधर से नेक्स्ट कर दें। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट किया मेरे पास इसका दूसरा स्टेप आ जाता है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स हमें ये बताता है बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जुमला की, जैसे हमारे पास इसका पीएचपी है, ये जो उसके साथ सर्विसेज है क्या ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यस ठीक है। इस तरह से इसमें जो MySQL वगैरह की सपोर्ट है वो भी, यानी कि जो जो चीजें से यहाँ पर चाहिए और जो नहीं चाहिए क्या वो तमाम इसके पास ठीक है या नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली चेक कर कर आपको बता देगा। यहां पर ये बात याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मिस होगी तो आपके पास ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट बटन है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि ये आपके पास एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। अगर ये एक्टिव फॉर्म में है आप इसे क्लिक करें तो ये आपको आगे लाइसेंस के ऊपर लेकर चला जाएगा। अब लाइसेंस के अंदर क्या है, आपके पास सिंपल एक एग्रीमेंट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें, पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना होगा, अगेन इसको भी आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर लेकर चले जाएंगे। अब मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो आ चुका है डेटाबेस का एरिया, यानी कि हमने यहां पर करना कि अपने आपको डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करवाना है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी कि यहां पे हमारा डेटाबेस का नाम शो होगा, हमारे होस्ट का नाम शो होगा, यूजर नेम शो होगा, पासवर्ड शो होगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो होस्ट है, होस्ट से क्या बनाता है, आपकी वेबसाइट कहां पर पड़ी हुई है। अभी जो हमारी वेबसाइट है वो बाय डिफॉल्ट किधर है, लोकल होस्ट के पर है, लेकिन फर्ज करें अगर आपने कोई डोमेन परचेज किया और वहां पे आप अपने इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो आपको अपने पास अपने होस्ट का एड्रेस देंगे मुकम्मल, तो वो फिर आपको मुकम्मल एड्रेस इधर डालना होगा। इस तरह से जो यूजर नेम वो आपको बताएंगे, पासवर्ड जो आपको बताएंगे और डेटाबेस जो आपकी होगी वो आप इधर मेंशन करेंगे। लेकिन जब हम बाय डिफॉल्ट ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, अपने सिस्टम की अपनी मशीन के ऊपर कर रहे हैं, अपने सिस्टम के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए लोकल होस्ट के पर हम क्या करेंगे, यानी कि जहां पर होस्ट का नाम है यहां पर हम जस्ट डिफाइन कर देंगे लोकल होस्ट। लोकल जैसे मैंने अभी आपको बताया था शुरू के अंदर लोकल होस्ट, और उसके बाद जो आपके पास इसका यूजर नेम आ रहा है वो सेम आप रूट दे देंगे, और पासवर्ड एरिया को आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन आपको फिर अब डेटाबेस का नाम आ जाता है। अब ये डेटाबेस का जो नाम है ये आपके पास कौन सा नेम है, ये वो नेम होगा जहां पर आपकी डेटाबेस बननी चाहिए। अब आपकी डेटाबेस कहां पे बनती है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। हमारे पास वो बनती है हमारे जो हमने अपने पास जैम सर्वर डाला है इसके अंदर, पीएचपी के अंदर, पीएचपी माई एडमिन के अंदर बनेगी। अब आए अगेन मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूं बनाने का, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया नहीं है। इधर ऊपर आ जाए एड्रेस बार के पर आप टाइप कर दें यहां पर लाकर सिर्फ लोकल होस्ट, आप जस्ट लोकल होस्ट के ऊपर चले जाए आपके पास ये आ जाएगा, और देखिए आपके पास क्या है, पीएचपी माई एडमिन, आप इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। तो ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट करने का एरिया है, यहां पर हमने अपनी डेटाबेस को क्रिएट करना है। जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं उसके नेम वगैरह यहां पे शो हो जाते हैं। याद रखिएगा जब आप कोई डेटाबेस बनाएं उसका नाम ऑलरेडी पहले डिफाइंड ना हो। अगर आपने एक ऐसी डेटाबेस बना दी है जो ऑलरेडी बनी हुई है तो वो कभी भी नहीं बनेगी। तो जब भी आप डेटाबेस बनाएं उसका नेम यूनिक डिफरेंट होना चाहिए। अब मैं जो बनाऊंगा यहां पर मैं इसको देता हूं एक्सपी अकेडमी और जुमला कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने इसको बना दिया, ये मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, मैं इसको जस्ट एक्सपी जुमला कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरी डेटाबेस का नाम है, इसे कंट्रोल सी भी कर लेता हूं अपने पास,
क्रिएट करते हैं आप इसे। जैसे आपने इसको क्रिएट की है तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास आपकी ये डेटाबेस बन चुकी है। ठीक है, अब आप वापस अपने पुराने वाली फाइल्स के पर चले जाएं जहां पर आप जुमला की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और इधर आके आप इसको अपना वही नाम, डेटाबेस का नाम डिफाइन आप कर देंगे। देन आप जस्ट इसको नेक्स्ट पर आप क्लिक कर डालें इसे। जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होकर आपके सामने आ चुका है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपके पास निकलकर आपके सामने आ गया है। तो इस सेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपसे ये एफटीपी की कॉन्फ़िगरेशन चाह रहा है, लेकिन यहाँ हमें, क्योंकि हम लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी एफटीपी की कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जस्ट आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब जैसे मैंने इसको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट एरिया आ चुका है यहाँ पे। अब देखें क्या है यहाँ पे मेरे पास। बेसिकली सबसे पहले तो मेरे पास कहता है जो आप साइट बना रहे हो उसका कोई आप नाम देना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको एक्सपी अकेडमी का ही नाम देना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने इसको एक्सपी अकेडमी नाम दे दिया, अकेडमी। अब कहता है आप इसको कोई अगर ईमेल देना चाह रहे हैं तो ईमेल भी आप लाजमी देंगे। मैं इसको ईमेल जो साइन कर देता हूँ वो मैं इसको एक्सपी अकेडमी का देता हूँ, academy@ymail.com। देन आपके पास यहाँ पे आपको कहता है पासवर्ड और यूजर नेम बताएं क्या है, यानी कि आपके पास, सॉरी, आपके पास जो पासवर्ड है वो आपको देना यहाँ पर मस्ट है। स्टूडेंट्स बेसिकली जुमला में हमारे पास दो हैंड होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड होता है, एक होता है बैक एंड होता है। फ्रंट एंड तो वो होगा जो आप देख रहे होंगे, बैक एंड वो होगा जहां से अपने पास डेटा वगैरह को कंट्रोल करेंगे, अपने आर्टिकल्स डालेंगे, सेक्शन डालेंगे, कैटेगरीज डालेंगे, वो ये आपका बैक एंड में आ जाएगा, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर पैनल भी कहते हैं। अब इस यहाँ पे उस चीज का आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है, तो आप इसको कोई पासवर्ड दे देना है। मैं इसको नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 दे देता हूँ, अगेन 1 2 3 4 5 6 में से यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। नीचे आ जाते हैं, हमारे पास ये जो एरिया है जहां पर मेरे पास की मुझे मैसेज दे रहा है इंस्टॉल सिंपल डेटा। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास टेम्पलेट है जो इसके अंदर भी इंस्टॉल हो रहा है, अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज, जितनी भी सेक्शन, जितने भी आर्टिकल्स बने हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर मेरे सामने आ जाएंगे। और अगर आप मिसाल के तौर पे कोई चीज देखना चाहते हो कैसी बनी हुई है तो आप इसको इंस्टॉल करके भी देखें, लेकिन अभी मैं आपको ये मशवरा दूंगा आप जस्ट नेक्स्ट के ऊपर निकल जाएं। लेकिन लेकिन जब आप ये वाला चीज सीख जाए तो एक मरतबा आप इसको भी इंस्टॉल करके लाजमी देख लीजिएगा। तो जस्ट आप इसको नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया, जो मेरे पास वार्निंग आई है वो बेसिकली इसी डेटाबेस की वार्निंग मेरे पास आई हुई है, कहते हैं आपके पास ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, आप इसे कर दें। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब मेरे पास देखें यहां पर रेड मैसेज आ चुका है, रेड। ठीक है, अब इस मैसेज को अगर आप केयरफुली देखें यहां पर ये आपको कहता है आपने रिमूव करना होगा एक डायरेक्टरी है जिसका नाम क्या है, इंस्टॉलेशन। जब तक ये डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी आपका काम, यानी कि प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा, दोबारा से इंस्टॉलेशन चल जाएगी। तो वो डायरेक्टरी किधर थी, अगर आप वापस इधर जाएं जहां पर आपने, यानी कि आप वापस सी के अंदर निकल जाएं, मैं सी के पर निकल गया हूं, जैम फोल्डर के अंदर निकल गया हूं, और यहां पे एच टी डॉट्स के पर आप आ जाएं, तो ये देखें एक्सपी अकेडमी, ठीक है, अंडरस्कोर जुमला, इधर आप आ जाएं, तो ये रही वो आपके पास इंस्टॉलेशन की। या तो आप इसको डिलीट कर दें, अगर आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो अमून इसको रीनेम भी कर दिया जाता है, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूं। ठीक है, रीनेम कर देने के बाद वापस आपको इसी फोल्डर के पर आना होगा। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है मेरे पास साइट और एक है मेरे पास एडमिट पैनल। कहते हैं दोनों में से आप किधर जाना चाह रहे हैं, तो मैं सिंपली साइट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने इसको साइट के ऊपर क्लिक किया, अगर मेरे पास कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं आई हुई, गलती नहीं है, तो मेरी साइट बिल्कुल लॉन्च होकर मेरे सामने आ जाएगी, यानी कि मेरे पास जुमला यहां तक आ गया, मींस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा जुमला का बेसिक स्टेप्स, जुमला को इंस्टॉलेशन करना, इसकी डेटाबेस बनाना। तो यहां तक हमने अपना काम कर लिया है, नेक्स्ट लेसन के अंदर मजीद आगे चलते हैं। उस वक्त तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्स आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया DCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें उसके लिए कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03439017779।
या हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है expecademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है expecademy। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।